चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेरे सदारत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस का इजलास खत्म हो गया। इजलास में इंकशाफ हुआ है कि मुल्क में 2273 दहशतगर्दी के मुकदमात ज़ेरे अल्तवा हैं। चीफ जस्टिस ने मुकदमात ज़ेरे अल्तवा होने पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया। मज़ीद जानेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल, आप बताइए। देखिए आशीष, जैसे याह्या अफरीदी ने मुल्क भर के तमाम दहशतगर्दी अदालतों की जो इंतजामी जजेज है उनकी मीटिंग कॉल की थी और अब इस इजलास का ऐलानिया जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक इजलास में ये इंकशाफ हुआ है कि पूरे मुल्क में 2273 दहशतगर्दी के मुकदमात इस वक्त ज़ेरे इल्तवा हैं, जबकि सिंध में सबसे ज्यादा 1300 से ज्यादा मुकदमात इस वक्त ज़ेरे इल्तवा हैं। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से तहफ़ुज़ात का इजहार भी किया गया और साथ बलोचिस्तान में भी फॉरेंसिक लैब कायम करने पर जोर दिया गया और कारकर्दगी जो है ATC की बेहतर करने के वाले से भी मुख्तलिफ अमूर ज़ेरे गौर आए, जिसमें शामिल था कि जो दहशतगर्दी के मुकदमात में गवाहान होते हैं उनकी हिफाजत यकीनी बनाने के लिए उनकी वीडियो लिंक पर हाजिरी के इकदाम मुकम्मल किए जाए और साथ किया कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तमाम सूबों के प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ इजलास का बयान जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका।